हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं नान खटाई। नान खटाई टेस्टी टेस्टी। आप जो हम नान खटाई की रेसिपी बता रहे हैं ये मार्केट के हलवाई को भी फेल कर देगी। देखिए, जो हमें इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन रखना है, मैदा 300 ग्राम्स, घी 300 ग्राम्स, चीनी, इसे हम पीस लेंगे, ये अभी मैं आपको सिर्फ इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ, पिसी चीनी 300 ग्राम, मैदा, घी, चीनी 300 300 ग्राम, बेसन और सूजी 100 100 ग्राम, और हमें चाहिए ये बेकिंग सोडा पिंच, थोड़ा सा, देखिए इतनी क्वांटिटी। फिर हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, ये भी इतना ही लेंगे। इलायची का हम पाउडर बना लेंगे, ये हरी इलायची का, ये भी हमें चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आप बर्तन लेंगे, उसमें आप ये मैदा, बेसन, पिसी चीनी, सूजी, घी, ये सब मिला के एक डो की तरह आप बना लेंगे। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, हरी इलायची का पाउडर सब डाल के आप ये एक डो बना के रात को छोड़ दीजिए। पूरी रात छोड़ने के बाद आप सुबह इसको देखेंगे तो ये ऐसा मिलेगा, ये मैंने आपके लिए तैयार रखा है। इसके बाद इसमें हमें इसको खूब अच्छा, अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है, खूब खाना है, जिस जब तक ये घी ना छोड़ दे। आपको आधे घंटा, कम से कम आधा पौन घंटा इसमें लग जाएगा, अगर आपको बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट चाहिए और उतनी ही फ्लफी और फूली भी चाहिए। अदरवाइज़ आप 10 मिनट में, 5 मिनट में भी इसको कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल घी छोड़ देगा आधे घंटे बाद, उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। ओके गाइस, तो इसको हमें खूब घाना है इस तरीके से। आप जितना इसके साथ, जितना इसको फ्लफी बनाने के लिए, जैसे हम दाल को खूब मिक्स करते हैं बड़े बनाने के लिए, या जितना घाते हैं उतना इसका टेक्सचर अच्छा होता है, बहुत फ्लफी हो जाता है, उतनी ही हमारी फूली फूली नान खटाई बनेंगी। तो आप इसको खूब आधे घंटे तक करते रहिए करते रहिए, ये अपना खूब घी छोड़ देगी। उसके बाद हम इसको अवन में रखेंगे या तंदूर में बनाएंगे। पूरा मिक्सचर आपको बहुत अच्छे से, इसको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आपने सुना है ना, नो पेन नो गेन, तो आप इसमें थोड़ी सी मेहनत लगाएंगे, इट विल कम आउट वेरी ब्यूटीफुल। देखिए गाइस, हमने इसे परात में ले लिया है क्योंकि इसको बैटर को स्प्रेड करने में खूब अच्छे से आपको पूरी जगह चाहिए, तो ये परात में और अच्छे से आप इसे खा सकते हैं। हर तरीके से आप इसमें सारे स्ट्रोक्स दे के, घुमा के, इसे मसल मसल के जितना कर सकते हैं इसको मिक्स अच्छे से करिए। थोड़ी देर में ये अपना घी छोड़ देगा। इसमें काफ़ी मेहनत लगेगी, पहले ये आपका घी निकालेगा फिर अपना घी छोड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत का काम है, बट ट्रस्ट मी इट विल कम आउट वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस। अभी आप नोटिस कर सकते हैं ये थोड़ा सा फ्लफी होना शुरू हो गया है। सी, ओके गाइस, देखिए आगे हम ये, अब इस बैटर की, ये तंदूर हमने गर्म कर लिया है, तंदूर में थोड़ा जल्दी बनती है, नहीं तो आप माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड में बना सकते हैं। अभी वी हैव स्टार्टेड मेकिंग, हमने इस ट्रे को ग्रीस कर लिया है, और अभी देखिए ये बैटर थोड़ा पतला हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी हमें ये ही चाहिए होती है, इसको थोड़ा सा आपको केयरफुली बनाना होगा। इसमें आगे हम ऐसे इसमें हल्का सा कट लगाएंगे, पिज़्ज़ा कटर या नाइफ किसी से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बैटर पतला हो गया है। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे रखेंगे हम, क्योंकि इन्हें फूलने के लिए जैसे हम जगह दें। इसमें आप थोड़ी थोड़ी सी ये खरबूजे की गिरी, खरबूजे के बीज डालेंगे, पिस्ता भी डाल सकते हैं, हमने थोड़ा बादाम और खरबूजे की गिरी डाली है। अभी आप देखेंगे इसकी
ये बहुत सुंदर फूलेगी और इसका टेस्ट अमेजिंग होगा। अभी मैं इसको तंदूर में लगा देती हूँ, पर तंदूर में बहुत जल्दी बनती है, मैंने इसको प्री हीट भी कर लिया था 2 मिनट के लिए। अभी हम वेट करते रहेंगे, 2 मिनट बाद फिर चेक करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हमें वेट करना होगा, पर हम और भी नहीं बना सकते, हम डायरेक्ट ट्रे पर ही बनाएंगे बिकॉज बैटर बहुत लूज़ है, अगर हम इसे दूसरी प्लेट में रखेंगे ये उस पर स्टिक हो जाएगा। तो वंस दे विल कम आउट देन विल पुट द न्यू वंस, फिर हम नई वाली रखेंगे, अभी इनका बनने का इंतज़ार करेंगे। आइए अभी एक बार हम चेक करते हैं, देखिए इनका साइज़ बड़ा होने लगा है, बट अभी थोड़ा हमें इसे और रखना होगा, आई थिंक 5 मिनट्स मोर। आइए गाइस देखते हैं क्या हाल है हमारी नान खटाइयों का। ओ वाओ, देखिए दे हैव बिकम सो रेड, आई थिंक वी शुड टेक देम आउट इससे पहले कि ये जले। देखिए सी द कलर, जस्ट वेट लेट मी शो यू, आई थिंक दे आर सुपर सॉफ्ट। We got to leave them like this for some time. Mouth watering. But we need to wait. Just let them be on the tray for some time. इसे कुछ देर हम ऐसे ही रखेंगे. Then we'll put it back in the tandoor so that tandoor also gets cooled down. और ये भी थोड़ा क्रिस्पी हो जाएंगी, बिकॉज यही फ़र्क है माइक्रोवेव में और तंदूर में। अभी हमारा माइक्रोवेव काम नहीं कर रहा है इसीलिए मैं तंदूर में बना रही हूँ। अब देखिए मैं इसे वापस तंदूर में 2 मिनट के लिए और रखती हूँ, जिससे कि अगर थोड़ी सी भी नीचे से कच्ची रह गई होंगी तो वो बन जाएंगी, पर ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि ऊपर का पार्ट पूरा रेड हो गया है, ज़्यादा करेंगे तो वो जलने का डर रहेगा। तो आइए हम अपनी नान खटाइयों का बाहर निकाल लेते हैं, 2 मिनट हो चुके हैं। अभी और 1-2 मिनट वेट करेंगे फिर हम इसको ट्रे से बाहर निकालेंगे। ओके गाइस, तो अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। देखिए आप देख सकते हैं नीचे से भी, फ्रेश एंड यमी, फ्रेश एंड यमी नान खटाइस आर रेडी टू ईट। अब मैं आपको इनकी क्रिस्पीनेस भी दिखा देती हूँ, लेट मी लुक वन, दे आर सुपर यमी, रेडी टू ईट नान खटाई। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज शेयर सब्सक्राइब and press the bell button to get more subscription, more interesting recipes. अभी हम ये पूरा बैटर कंप्लीट करेंगे, till that time you enjoy and try this super yummy recipe. Thank you, bye bye.